वीबीटी पढ़ना है हमको, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं 11 में हमने क्या पढ़ा था। वीबीटी इज ए, हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया था अगर आपको याद हो तो। वीबीटी क्या बताती है कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी ओवरलैपिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। ओवरलैपिंग के कारण बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाइब्रिडेशन क्या है, बिफोर ओवर इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है तो उसको तो हम हाइब्रिडेशन कहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल प्लस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, सेंट्रल मेटल एटम विल बी प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल। अब यहाँ क्या काम है इसका, यहाँ पर वीबीटी का रोल कैसा है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, हमको पता है। दिस वैकेंट ऑर्बिटल विल बी हाइब्रिडाइज्ड। ये वैकेंट ऑर्बिटल क्या होगा, हाइब्रिडेशन करेगा। दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ केमिक सेंट्रल मेटल एटम विल ओवरलैप विथ लोन पेयर ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम जो पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, जब लिगेंड लोन पेयर डोनेट करता है। किसको डोनेट करेगा, वैकेंटी ऑर्बिटल को। तो देखो अब यहाँ पर आपको चीजें याद रखनी है कि मेटल है, मेटल के पास वैकेंटी ऑर्बिटल है, लिगेंड है, लिगेंड के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, लिगेंड टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये बताती है लिगेंड का सीक्वेंस कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो स्टार्टिंग के जो रहेंगे, आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, आइसोसाइनाइड है, क्लोराइड है, एस टू है, एफ नेगेटिव है, ओ एच नेगेटिव है ना। आपको तो याद रखना है 12th के हिसाब से ये काफी है, इससे ज्यादा कुछ आते नहीं। ये वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये जो CN और कोबाल्ट है, ओ कार्बोनाइल है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आ जाएंगे। या फिर आप इसे भी याद रख सकते हो कि अगर जिसमें कार्बन डोनर एटम के रूप में काम करता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और कार्बन या नाइट्रोजन दोनों है ना किस तरह काम करते हैं, डोनर एटम की तरह काम करते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डोनर एटम की तरह काम करते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। जैसे अगर इसकी चर्चा करें तो इसमें डोनर एटम कौन है, कार्बन है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। इसमें भी कौन है, कार्बन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। अब जो हमको 12th में पढ़ना है वो सिर्फ पढ़ना है हमको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपको आएगा एग्जाम में, दे दिया जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे आएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स को देकर के पूछ सकते हैं कि इसका हाइब्रिडेशन क्या है या फिर इसकी ज्योमेट्री क्या है। और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 लाइनें लिखनी है, और निकाल तो सबके सकते हो आप, लेकिन स्पेशल दिया गया है कि NCERT में, MP बोर्ड में, कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ना है। तो अगर आपको ज्योमेट्री निकालना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी 8 आता है तो ज्योमेट्री आप ऑक्टाहेड्रल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई चेंजेस है ही नहीं। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो आपको ज्योमेट्री में थोड़ा दिखना पड़ेगा कि ज्योमेट्री क्या होती है, वो हम आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 2 प्रकार के हाइब्रिडेशन होते सकते हैं, sp3 हाइब्रिडेशन होगा या फिर dsp2 होगा। 4 ऑर्बिटल चाहिए हमको। sp3 होगा तो हमको पता है ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, और dsp2 हाइब्रिडेशन होगा तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में 2 प्रकार के हाइब्रिडेशन हो सकते हैं, sp3d2 हो सकता है या d2sp3 हो सकता है। दोनों केस में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। आगे हम देखते हैं कि हाइब्रिडेशन निकालते किसे हैं। तो हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि एक दो एग्जांपल ले लेंगे, बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो वीबीटी के थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, नंबर 1 कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है आपको, उसका हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, ज्योमेट्री निकाल सकते हो, और मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल सकते हो कि पैरा मैग्नेटिक है कि डाई मैग्नेटिक है ना। वीबीटी से आप कलर का नहीं बता सकते, इस कॉम्प्लेक्स का क्या कलर रहेगा, वो कॉन्सेप्ट आपको आएगा CFT में। अब देखते हैं आगे एग्जाम्पल, ध्यान से देख लेना है कि एग्जाम्पल बता पाऊंगा मैं। पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर तो दिख रहा है हमको 4 है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। दूसरी कंडीशन सबसे पहले आपको आना चाहिए इसका ऑक्सीजन नंबर क्या होता है। तो निकल का ऑक्सीजन नंबर देखो, ये हो जाएगा -4 और ये -2 उधर जाएगा, तो इस पर चार्ज आ जाएगा +2। फिर आपको सिंपल क्या आना चाहिए कि निकिल का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2। लेकिन हमको देखना किसका है, हमको तो निकिल +2 का देखना है। निकिल +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, किसमें से निकलेंगे, आउटर मोस्ट शेल में से, ठीक है।
आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, 3d8। अब नीचे देखो ये 3d का है ना, इसके पास 4s तो खाली हो गया है, 4p भी, अब 4 शेल है तो खाली तो सब पड़े होंगे, 4d भी होगा ऐसे। तो अब हमको देखना है, हमने यहाँ फिल कर दिया है 3d8, 3d8 Ni2+ का, ठीक है। यहाँ से हमको पता चल गया कि हमको चार वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। अब हमको देखना है कि लिगेंड कैसा है, लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। ये लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, खुद से सोचो ना, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे। अगर आपके सामने कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति आ जाए और आपको उसको मारना है तो आप नहीं मार पाओगे, आप दूर भागोगे। लेकिन अगर कोई वीक आ जाए तो इलेक्ट्रॉन दूर, कोई वीक लिगेंड आ जाए तो इलेक्ट्रॉन दूर नहीं भागेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसमें अगर आपको पता नहीं कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो आप बता ही नहीं सकते हैं, या आगे वीबीटी होगी नहीं हमारी। तो अभी जो सीएन है ज्यादातर आएगा आपको सीएन और सीओ, सीएन और सीओ स्ट्रॉन्ग फील्ड है। लेकिन जितने भी हेलोजन है, फ्लोराइड आ जाए, क्लोराइड आ जाए, ब्रोमाइड आ जाए, हाइड्राइड आ जाए, ये सब वीक फील्ड है। लेकिन और धीरे धीरे आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पूरा आ जाएगा। तो देखो अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा तो कंडीशन बनती ही नहीं, तो ये तो पेयरिंग हो गई अब, ठीक है, पेयरिंग हो गई। और हमको कितने ऑर्बिटल चाहिए, खाली चार चाहिए, तो हम ले लेंगे एक डी का, एक एस का और दो पी के, क्योंकि हमको चार ही चाहिए। तो इसका हाइब्रिडेशन निकल आ जाएगा DSP2। अब हाइब्रिडेशन निकाल लिया तो आप ज्योमेट्री बता ही सकते हो कि ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ये चार चीजें हमने निकाल ली, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया 4 था, हाइब्रिडेशन देख लिया DSP2 था, ज्योमेट्री देख ली क्या आ जाएगी, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर आ जाएगी। मैग्नेटिक बिहेवियर पैरा मैग्नेटिक एक डायमैग्नेटिक, आपको पता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक, और पेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर देखो ये नहीं देखना हमको, ये देखना जो हमने हाइब्रिडेशन निकाला, यहाँ पर हमको पेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डायमैग्नेटिक हो जाएगी। अब स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर बता दिया आपको, डायमैग्नेटिक होता है। अब जो स्क्रीन पे आ रहा है एग्जांपल सेम वही होगा, तो आप इसका निकाल करके देखो, जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। फोर्डेशन नंबर 6 वाला क्या है, चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आयरन, ठीक है, आयरन का नॉर्मल कंडीशन में रहेगा 3d6 4s2, हमको निकालना है, ऑक्सीजन नंबर आया है +2, तो ये क्या बचेगा हमारे पास 3d6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। फिर क्या देखना है आपको, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखेंगे क्योंकि इसमें कार्बन डोनर एटम के रूप में काम करता है। स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, फिर भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा है, ये यहाँ चले जाएगा, तो ये कंडीशन बनेगी। उसके बाद ऑर्बिटल 6 चाहिए हमको, 6 ऑर्बिटल गिन लो, 2 डी के ले लो, एक एस का ले लेंगे और 3 पी के ले लेंगे, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2SP3। और ज्योमेट्री तो आपको बता ही दी है, और यहाँ से नेचर देख लो, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, पेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, सिंपल सी है ना। एक और आपकी स्क्रीन पर NiCO4 का निकाल करके देखो सभी बच्चे, चलो इसका देखते हैं हम। Ni का होता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d8 4s2। अब इसका ऑक्सीजन नंबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो बस सिंपल ही रहने दो, है ना। तो ये क्या लगेगा, 3d8 है ना, 4s2। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये भी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूर भागेंगे, एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ चले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम में तो गलत बना, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। फिर खाली बॉक्स चाहिए हमको, तो एक एस का ले लेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, एक एस का ले लेंगे हम और 3 पी के ले लेंगे, तो हमारे पास हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडेशन है तो ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, मेथेन जैसी, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पर करके बताओ, NiCl4-2। जो बच्चे मुझे वीडियो में देख रहे हैं वो भी पॉज करके करने की कोशिश करें। NiCl4, ठीक है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन नंबर क्या निकाला आप लोगों ने, ऑक्सीजन नंबर आएगा -4, ये उधर जाएगा तो -2, -4 उधर गया तो +2 आएगा, ठीक है। +2 का क्या होता है, 3d8 बचेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन दूर नहीं भागेंगे,
पेयरिंग नहीं होगी तो इस केस में हम ये वाले ऑर्बिटल यूज करेंगे, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिडेशन sp3 है, sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, 50 से सब आ जाएगा। अगला है प्लेटिनियम का, तो प्लेटिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का एक्सेप्शन है 5d9 6s1, याद कर लो आप लोग। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ रहा है यहाँ पर +2 आ रहा है, +2 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5d9। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तब कौन से ऑर्बिटल यूज करेंगे, 4 ऑर्बिटल गिनना है हमको, काउंट करना है 1 2 3 और 4। तो एक डी का लिया है, एक एस का लिया है, और 2p के लिए, तो हो जाएगा dsp2 हाइब्रिडेशन। ठीक है, अगला है कॉपर, तो कॉपर का भी एक्सेप्शन होता है 3d10 4s1। अब इसमें चार्ज आएगा +2 चार्ज आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं होगी, जगह भी नहीं पेयरिंग करने की, तो हम बाहर के ऑर्बिटल यूज करेंगे एक एस और 3p के, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 और ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, सिंपल सा है। अगला एग्जाम्पल है कोबाल्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 हमको खाली बॉक्स चाहिए, तो कोबाल्ट का होता है 3d7 4s2। अब इसका ऑक्सीजन नंबर आ जाएगा, ये हो जाएगा -6, मतलब +3 आएगा उधर गया, तो -6 हो जाएगा प्लस, ना +3 हो जाएगा, +3 में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 3d6 हमने फिल किया, उसके बाद देखा वीक फील्ड लिगेंड है, वीक है ये, तो कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो हम बाहर ऑर्बिटल यूज करेंगे एक एस का, 3p के और 2d के, तो हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब ये जानकारी है, अगर हम आउटर डी ऑर्बिटल यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब ये हमने बाहर का डी यूज करा है, अंदर का मतलब 3 वाला होता। ठीक है, बाहर का डी ऑर्बिटल यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, बिकॉज देयर आर अनपेड इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है। देखो ये हमने अभी करा था, तो एक्स्ट्रा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो सकता है या फिर आउटर, इनर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा तो उसको क्या बोलते हैं, हाई स्पिन। आउटर कब होता है, जब बाहर का डी ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं हम, तो उसको बोल देंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या करा है हमने, बाहर का डी ऑर्बिटल यूज करा है, तो इसको हम बोल देंगे, आ सकता है एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा कर, इसको हम बोल देंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर बोल देंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यही लाइन लिखी हुई है, सुपर एग्जाम्पल। अब देखो इसका क्या आएगा, ऑक्सीजन नंबर +3 आ जाएगा, इसमें भी एक्सेप्शन होता है, हमको पता है 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बचेगा क्या, 3d3। ठीक है, यहाँ पर लिगेंड किसकी, एनएच3 किसकी तरह काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, नाइट्रोजन डोनर एटम है यहाँ पर, तो पेयरिंग करेंगे, लेकिन पेयरिंग करने की जगह ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन दे दी है कि ऑक्टाहेड्रल जब होगा तो 2 प्रकार के हाइब्रिडेशन होंगे, d2sp3 होगा या sp3d2, तो पेयरिंग हो भी जाती है, पेयरिंग हो भी जाती है, हो भी गई है पेयरिंग, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे आप। ठीक है, जितने हमको खाली बॉक्स चाहिए उतने ही हम यूज करेंगे, तो इस कंडीशन में हाइब्रिडेशन हो जाएगा d2sp3। ठीक है, अब ये किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, खुद से बताओ, कि अंदर का डी ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना, और अगर आउटर होता तो फिर लो हो जाता वो, जैसे कि अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इस पे क्या आ जाएगा, Fe2+। तो इसका आ जाएगा Fe2 पॉजिटिव, मतलब 3d6, 3d6 हो गया। अब ये H2O तो हाइड्रोजन, इसमें एटम डोनर एटम से वीक फील्ड लिगेंड है, तो कोई पेयरिंग नहीं होगी, कोई पेयरिंग नहीं होगी तो हम क्या उसका लेंगे, एक एस 3p और 2d के, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। और अब बाहर का डी ऑर्बिटल यूज कर रहे थे तो उसको क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल हम देखते हैं, ये स्पेशल केस है, MnCn6 है ना, तो इस पर इसका चार्ज आएगा
प्लस थ्री आप चार से निकालना सिखा दिया तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम प्लस थ्री मतलब दो दो यहाँ से निकल जाएंगे, एक यहाँ से निकल जाएगा, तो कितने बचेंगे? चार बचेंगे। अब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मैंने बोला था सी एन और सी ओ बार बार आएगा, तो एक हमको एक पेयरिंग हो जाएगी इधर, तो दो डी के मिल जाएंगे, एक एस का मिल जाएगा और तीन पी के मिल जाएंगे। फिर आपको कभी कभी आ जाता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट एन एन प्लस टू और बोहर मैग्नेटॉन। एन क्या है? जितने भी रहेंगे इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, रख दो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? टू, तो इसमें आप टू पुट कर दो और देख लो आंसर कितना आता है, आपकी बुक में जा करके देखना कितना आएगा आंसर, टू पॉइंट के समथिंग आएगा। तो सॉल्व करना तो आपको आते ही होगा, ठीक है। नहीं तो एक चार्ट बना है, आपको चार्ट दे दिया जाएगा, तो उसको डायरेक्ट याद कर लो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका बी एम इतना होगा, ज्यादा ज्यादा 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट देख लेते हैं, NiCO4 अब निकालना तो सिखा ही दिया, इसमें क्या है? कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, देखने की जरूरत ही नहीं, पेड होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। इसका हमको निकालना है, तो इसमें चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है, रख देंगे फोर, तो जो भी आंसर आ रहा है आप लोग देख लेना, ठीक है। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन आई कॉम्प्लेक्स इज 2.82 बी एम इन दिस एन आई कॉम्प्लेक्स लिगेंड इज क्लोरीन, व्हाट इज द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ऐसे क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा कर। अब क्या दे दिया आपको? 2.82, तो 2.82 कैसे आएगा? जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? टू रहेंगे, तो 2.82 के समथिंग आएगा। ये देख लेना आप क्वेश्चन, जब हम करेंगे बोर्ड पे तो आपको बता दिया जाएगा कैसे क्या करना है। देखो एक और प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें क्या होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। वीबीटी देखना है हमको, ठीक है। वीबीटी में क्या रहेगा? दो कोटेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स देखना है, कोटेशन नंबर 4 या कोटेशन नंबर 6, उनको क्या निकालना है? हाइब्रिडेशन निकालना है या फिर ज्योमेट्री निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो ज्योमेट्री फिक्स हो जाएगी, क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो दो प्रकार की ज्योमेट्री शो करेगा, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर किस केस में शो करेगा? जब हाइब्रिडेशन क्या हो जाए, हाइब्रिडेशन हो जाएगा DSP2, है ना। टेट्राहेड्रल किस केस में शो करेगा? जब हाइब्रिडेशन हो जाएगा SP3। तो बस आपको क्या देखना है, ऐसे शॉर्ट में ट्रिक भी याद रख सकते हैं आप अगर देखना चाहो तो, कि मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, फोर आता तो हमको पता है फोर और मतलब SP3 होगा या फिर DSP2 होगा। अगर आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा तो अंदर का डी ऑर्बिटल यूज करेगा, तो DSP2 हो जाएगा डायरेक्ट। वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो पेयरिंग नहीं करेगा, तो हम बाहर का ऑर्बिटल यूज करेंगे, तो क्या कर देंगे? SP3 हाइब्रिडेशन। ऐसा ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लगाओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो दो प्रकार की ज्योमेट्री हो सकती है, दो प्रकार की क्या, एक ही प्रकार की ज्योमेट्री रहेगी ऑक्टाहेड्रल। तो क्या करो उसको, अब देखना है हमको कि D2SP3 है या SP3D2 है। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D2SP3 हो जाएगा, और वीक लिगेंड है तो क्या हो जाएगा? SP3D2, एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म रखने का तरीका। और अगर बाहर का ऑर्बिटल यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर ऑर्बिटल स्पिन बोलते हैं, कि हाई स्पिन बोलेंगे कि लो स्पिन बोलेंगे आउटर को? लगाओ दिमाग, कौन बताएगा? इनर रहेगा तो क्या रहेगा? इनर रहेगा तो हाई स्पिन रहेगा, आउटर रहेगा तो लो स्पिन रहेगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा तो हाई स्पिन रहेगा, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, आउटर में लो स्पिन रहेगा, ऐसे ध्यान रखना है। वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CFT के साथ।